वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है हाउ योर क्रश फील्स अबाउट यू, आपके क्रश जो है वो आपके लिए किस तरीके से फील करते हैं। ये एक टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। कुछ चीज़ें आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करेगी और कुछ चीज़ें आपकी सिचुएशन से नहीं भी रेजोनेट करेगी, आप उसे एज इट इज छोड़ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर ऑल पर प्रेस करें, जिससे आपको सही समय पर नोटिफिकेशन मिल पाए और आप कंटेंट को इंजॉय कर पाए। अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एट ऑफ कप्स, ओके। तो आप किसी चीज़ को रिलीज़ कर रहे हो, आपके पास्ट को रिलीज़ कर रहे हो या पास्ट पर्सन को रिलीज़ कर रहे हो, या फिर ये भी हो सकता है कि कहीं माइग्रेट आप कर रहे हो, कुछ हर्टफुल चीज़ है जिसको आप रिलीज़ कर रहे हो। नेक्स्ट आ रहा फाइव ऑफ कॉइन्स है। इमोशंस की जो कमी किसी ने दिखाई आपकी ज़िंदगी में, वो जो है उस चीज़ को आप रिलीज़ कर रहे हो। नेक्स्ट आ रहा फोर ऑफ वॉन्ड्स है। हो सकता है आप शादी जो है वो करने की इच्छा रख रहे हो या फिर जो है कोई ना कोई सेलिब्रेशन में ये जो पर्सन है आपके क्रश जो है वो आपको देख रहे हो। नेक्स्ट आ रहा है डेथ, ओके, स्कॉर्पियो एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा नाइट ऑफ कॉइन्स और नेक्स्ट आ रहा आपके लिए टू ऑफ सोर्स है। यहाँ पे यही एनर्जी है कि आप किसी चीज़ को रिलीज़ कर रहे हो। ज़्यादातर जो है वो इमोशंस आपके होंगे, पास्ट के हर्ट हो सकते हैं, इमोशंस हो सकते हैं, उस चीज़ को आप जो है वो रिलीज़ कर रहे हो। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे डेथ भी आया है, तो कोई चीज़ एंडिंग हुई है या फिर ट्रांसफॉर्मेशन आई है, ऐसी एनर्जी जो आपको सर्व नहीं करती है या सही नहीं है आपके लिए, और वो इंसान, लोग, कह सकते हैं सिचुएशन, जगह, वो सब चीज़ों को आप एंड करके, फुल स्टॉप करके जो है अपनी लाइफ में न्यू चैप्टर की तरफ आगे बढ़ रहे हो। तो आपके क्रश जो है वो आपको प्रेजेंट समय में इसी तरीके से देखते हैं, फीलिंग्स भी उनके देखते हैं, लेकिन ये चीज़ आपकी एनर्जी आ रही है, तो एक्स्ट्रा मैसेज है वो मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर नाइट ऑफ कॉइंस है। तो नाइट ऑफ कॉइंस जो है वर्गो एनर्जी को भी दिखाता है। काफ़ी मेटिकुलसली आप सब चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हो, जो आपके लिए सही है आप उसको एक्सेप्ट करना चाहते हो और जो आपके लिए सही नहीं है उसको आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो। नेक्स्ट आ रहा है टू ऑफ सॉर्ड्स है। टू ऑफ सॉर्ड्स जो है वो ऐसी एनर्जी है कि आप इनडिसीजन वाली सिचुएशन में हो। आप चाहते तो हो कि अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, लेकिन फिर जो है आपको ये भी रहता है कि पता नहीं आगे क्या होगा, तो इस तरीके की सिचुएशन है यहाँ। अब देख लेते हैं कि उनकी फीलिंग्स क्या हैं। पहला आ रहा है टेन ऑफ सॉर्ड्स, ओके, ये वही एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा नाइन ऑफ कप्स, जजमेंट, ओके, स्कॉर्पियो एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा किंग ऑफ कप्स, आपके क्रश की निकाल रही हूँ मैं। नेक्स्ट आ रहा है द डेविल और नेक्स्ट आ रहा स्ट्रेंथ, और यहाँ पे जो है मैं टेन ऑफ सॉर्ड्स को भी क्लारीफाई करना चाहती हूँ, एस ऑफ कप्स। ये वही चीज़ है कि आपको कभी, और लास्ट में आ रहा पेज ऑफ कप्स है, आपको किसी ने हर्ट किया है और खासकर रिलेशनशिप में हर्ट किया है, और ये पर्सन जो है, जो क्रश हैं आपके, वो जानते हैं, उस इंसान को भी जानते हैं या आप लोगों में क्या हुआ है वो भी जानते हैं, लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा बात फैली होगी या कुछ इस तरीके से रहा होगा। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे नाइन ऑफ कप्स है। नाइन ऑफ कप्स जो है वो विश फुलफिलमेंट को दिखाता है। जो आपके ऊपर क्रश रखते हैं वो एक तरीके से देखा जाए कि आपको एक हाई पेडेस्टल पे तो देखते ही हैं, लेकिन आप उनके विश फुलफिलमेंट हो, लेकिन उनको ये चाहिए कि आप हील हो पाओ, आप उस पास्ट को या पास्ट की मेमोरी को रिलीज़ कर पाओ, और जो भी डिफ़िकल्ट पास्ट आपका रहा है उस चीज़ को रिलीज़ करके खुशी वाली स्टेज में आ पाओ। तो इस तरीके से ये है कि वो आपको खुशियाँ देना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है। तो जजमेंट जो है स्कॉर्पियो एनर्जी है, वो इस तरीके की एनर्जी है कि आपको सेल्फ रियलाइजेशन है, आपने अपनी लाइफ में बहुत बड़ा एक कार्मिक साइकिल को देखा होगा और ये चीज़ आपके क्रश को पता है, प्रॉपरली उन्हें सब कुछ पता है। हो सकता है आपका ब्रेकअप इतना ज़्यादा, मतलब बुरी तरीके से हुआ हो कि जहाँ पे भी आप लोग हो या वहाँ पे जो है लोगों को भी पता है, तो ऐसी एनर्जी है यहाँ पर, और ये रियलाइजेशन उन्हें भी है और आपको भी है। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ कप्स है। ये जो क्रश है जो चाहते हैं कि आप मुस्कुराओ, आप खुश रहो, तो इस तरीके की एनर्जी है, और उनके इमोशंस भी हैं, फीलिंग्स भी हैं, लेकिन ये वही एनर्जी है, पहले आप रिलीज़ कर दो, सब कुछ जो है वो सही हो जाए, उसके बाद ही आपको अप्रोच करना चाहते हैं, तो ये पर्सन आपके लिए वेट भी करना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है स्ट्रेंथ का कार्ड है। तो स्ट्रेंथ जो है वो लियो एनर्जी को दिखाता है। मेंटल पीस चाहिए आपको और आप उस चीज़ की खुशी भी महसूस करना चाहते हो। नेक्स्ट है यहाँ पे बीच में डेविल का कार्ड भी आया। ये वही चीज़ है कि टॉक्सिक एनर्जी जो है आपकी पास्ट की, वो जो है आप जब रिलीज़ कर दोगे तो जो है ये क्रश आपके सामने खुलकर आना पसंद करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ कप्स है। पेज ऑफ कप्स जो है वो एक न्यू बिगनिंग को, या कह सकते हैं जो इनर चाइल्ड है जो आपने काफ़ी हद तक खो दी है, वो चीज़ जो है वो आप
फिर से फील कर पाओ, और ये क्रश जो है वो आपको इसी तरीके से चाहते हैं। यहाँ पे ये चीज़ नहीं है कि हाँ मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं अप्रोच करूँगा या जो है मैं तुम्हें तंग करूँ, नहीं। यहाँ पे बस वो ये चाहते हैं कि आप खुश रहो, इस तरीके की एनर्जी। और फिर जो है अगर मौका मिलता है तो वो फिर आपको अप्रोच भी करना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पे सेक्रल चक्रा भी प्रॉपरली आया है, लेकिन पहले वो आपको खुश ही देखना चाहते हैं। तो ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। चलिए देख लेते हैं कुछ लव मैसेजेस उनकी तरफ से आपके लिए। पहला आ रहा ट्रस्ट, तो वो चाहते हैं कि आप ट्रस्ट करो उनके ऊपर। अब ट्रस्ट टूटा है, किसी ने तोड़ा है, तो इतनी आसानी से तो आप किसी पर ट्रस्ट करोगे नहीं। तो यही चीज़ है कि धीरे धीरे जो है आपको ट्रस्ट होगा। नेक्स्ट आ रहा है एक्सप्रेस लव थ्रू गिफ्ट्स, तो हो सकता है आपको गिफ्ट्स दे या फिर इस तरीके की चीज़ें दें। नेक्स्ट आ रहा है लव इज़ कम्पोज ऑफ अ सिंगल सोल इनहैबिटिंग टू बॉडीज, तो यहाँ पे यही चीज़ है कि लव जो है वो एक सिंगल सोल हो जाती है और दो बॉडीज उसमें होती है। नेक्स्ट आ रहा है मिरेकल्स एंड ब्लेसिंग्स, तो वो मिरेकल्स और ब्लेसिंग्स में बिलीव करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू फॉर एवर, यू एंड मी एवरी डे, तो यही चीज़ है और वो महसूस भी करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है हैप्पी मैरिज, आपको वो खुश देखना चाहते हैं हर तरीके से, तो ऐसी एनर्जी है उनके मन में आपके लिए। नेक्स्ट आ रहा है लव कम्स ऑफ लाइक सनशाइन आफ्टर रेन, तो ये चीज़ भी है। और नेक्स्ट आ रहा है कॉल एंड टेक्स्ट गेट द फर्स्ट किस, तो वो ये भी चीज़ें सोचते हैं, लेकिन जब तक आप हील नहीं होंगे तब तक वो जो है आगे नहीं बढ़ेंगे, तो ऐसी एनर्जी है उनकी। चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। तो यहाँ पे एक स्क्रू ड्राइवर आया है और यहाँ पे एक मेपल लीफ आई है, तो जो चीज़ें प्रॉब्लम्स हैं या ऑब्स्टिकल है उसको फिक्स करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे सन है, लियो एनर्जी है, एक ब्राइटनेस जैसे होता है ना कि अंधकार के बाद या घनी रात के बाद जो है एक सवेरा होता है और एक न्यू होप मिलती है इंसान को, या किसी भी इंसान को, या कोई भी नेचर में जो एग्जिस्ट करता है, तो वही चीज़ वो फील भी करवाना चाहते हैं आपको। चलिए देखते हैं उनकी तरफ से कुछ लव सॉन्ग। तो पहला सा आ रहा है चांसी महबूबा होगी मेरी, और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए पल जलेबी मूवी का, और एक और देख लेते हैं मौला मेरे मौला अनवर मूवी का। तो इस तरीके के गाने जो है आपको डेडिकेट करना चाहते हैं, इसी तरीके की फीलिंग्स जो हैं वो आपके लिए फील करते हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।